आई थिंक एज करने से हम सबको डर लगता है और हम लोग सोचते हैं कि मिसकंसेप्शंस भी हैं बहुत हमारी कि क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे हो जाएंगे, और हमने उसको ना एक एक वो चीज़ बना ली है कि ओ ये हो गया तो बस इस पे तो मौत से पहले ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो आप डरती थी, आपके जहन में क्या था और आप क्या कहना चाहेंगी? जो हमारा कल्चर है ना, जो एक हमारा मुआशरा बन चुका है ना, उसमें जो अफसोस की बात है वो ये है, वो कहते हैं लड़कियों के लिए 20 ते किसी और मर्दों के लिए कहते हैं 60 ते पाठा, विच इज़ सो रॉन्ग। मैं कहती हूँ क्यों, एक औरत क्यों नहीं 60 साल की उम्र में वही कुछ कर सकती जो एक मर्द कर सकता है, और उतनी अट्रैक्टिव, उतनी अच्छी क्यों नहीं लग सकती, क्यों जो नहीं लग सकती? हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि अब मिसाल के तौर पे ये मैंने बाल किए हुए हैं या वट एवर, मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें बहुत एतराज़ हुआ, लोगों ने बड़े कमेंट्स दिए। मैं एक्चुअल लाइफ में ये दादी हूँ, नानी हूँ, आई एम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो क्यों नहीं भाई, आप क्यों ये चाहते हैं कि जहाँ 2-3-4 बच्चे हुए किसी के और ज़रा वो बच्चे बड़े हुए तो उस औरत को आप कोने में बिठा दें बस, अब उसका तो कोई काम नहीं रहा। हालांकि एक्चुअल जो उसकी जो एक राइप एज है, जहाँ तक वो पहुँची है, वहाँ पे उसने कितना तजर्बा सीखा है, उसने कितनी चीज़ें सीखी हैं, दैट इज़ द टाइम वेन शी कैन यूटिलाइज हर, यू नो, जो जो भी टैलेंट है उसमें या जो भी उसकी सोच है या जिस तरह से भी वो मुआशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकती है या व्हाटएवर। और औरतों से भी मुझे गिला है। औरतों से क्या गिला है? जब मैं 107.4 पे थी लाहौर में तो ऑफ एयर फ़ोन कर करके मुझे कह रही हैं, मैं 50 साल की हो गई हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ। और ये क्यों आप डिप्रेस रहती हैं, 50 साल की क्या उम्र है? कुछ नहीं, बाहर के मुल्कों में जाके देखें जी, वो कहते हैं कि 40 के बाद तो ब्लूम करती है औरत, दैट इज़ व्हाट दे से, अ वुमन ब्लूम्स एट 40। तो आप 50 साल में अपने आप को क्यों यूजलेस समझ रहे हैं, हज़ारों चीज़ें करने की, जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जाएं करें, वाई, मतलब यूटिलाइज योर सेल्फ। तो मेरे लिए एज करना वॉज, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। क्यों, एक तो फ़ायदे भी बड़े हैं ना। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे हैं कि कहीं भी जाते हैं, जी अम्मा जी आ जाए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाती है ऐसा वैसा, तो कहीं लाइन में जाके खड़े हुए तो सब हट जाएंगे फौरन, आप आ जाइए, पहले आ जाइए। तो फन है, इट्स फन, एजिंग इज़ फन, ओनली इफ़ यू इन्जॉय इट, यू नो, आई एम इन्जॉइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र। अभी दिसंबर में मेरे नवासे की शादी हुई है, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एन्जॉय इट। और मैंने वहाँ जाके डांस किया था सबके साथ, ज़बरदस्त, वाई नॉट, बिल्कुल। मैं तो ये कॉन्वर्सेशन ही इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे बात हो और हम इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना शुरू करें। मुझे ये भी लगता है हर गुजरते साल के साथ मर्द औरत दोनों ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़ात को समझ के ज़िंदगी को आप एक्सपीरियंस करते हैं। जो आप 20 साल की उम्र पे जो जज्बात और जो आपके स्ट्रेस होते हैं वो शायद 35 पे एक बिल्कुल ही डिफरेंट इमोशन होते हैं और आप चीज़ों को बेहतर हैंडल, तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। बट आपका शुरू से ये पॉइंट था या बीच में कहीं आप भी थोड़ा डिप्रेस हुई फिर देन यू लाइक नहीं नहीं मेरी ज़िंदगी है, मैं तो उसको जीऊँगी, आपको सुनने को मिली चीज़ें क्या? नहीं, हरगिज़ भी नहीं, और ख़ुद तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। ओके, ये मैं बहुत प्राउडली बताया करती थी। एक दफ़ा का मुझे याद है, मेरी तीनों बेटियाँ किचन में बैठी हुई थी, हमारी किचन की टेबल थी उस पर, नहीं रहने दो, यू नो शी इज़ सो ओल्ड, शी मस्ट बी 45। तो मैं दरवाजे में ऐसे करके खड़ी हुई थी, मैंने कहा गर्ल्स, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा योर मदर इज़ 45, आई डोंट फील ओल्ड, चुप कर गई, आई डोंट फील ओल्ड। कहती नहीं अम्मा, मैंने कहा ना, मैंने कहा नहीं, 45 इज़ नॉट ओल्ड। और लाहौर में हम लोग वॉक के लिए जाते थे तो वहाँ पे व्हेन आई वाज 62 तो मुझे किसी ने कहा आपा जी तुसी कितने साल दे हो, मैंने एक मिनट उसकी तरफ देखा, देन आई सेड आई एम 26, 62 यस 26। कहती नो 26 थे तो नहीं लगते तुसी, मैंने कहा नहीं मैं लगती तो नहीं हूँ, बट आई फील दैट वे, यू नो, सो दैट इज़ व्हाट यू शुड कीप अप विद।
मैं साइकिलिंग बचपन से, आई थिंक 8 साल की थी जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था, और जब तक मेरे नी रिप्लेस नहीं हुए थे तो जब भी मैं जाती थी अमेरिका तो मैं अपने नमाज़ों के साथ वहाँ पे एक पार्क है स्पेशली फॉर साइकिलिंग, आई यूज टू गो एंड साइकिल देयर विद देम. वाओ, ओके, यू नो. सो कीप योरसेल्फ बिजी, पहली बात तो ये कि कीप योरसेल्फ बिजी. कुछ भी, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप साइकिलिंग करें, ज़रूरी थोड़ी है कि आप ड्रामा करें. नहीं, अगर आपको लिखने का शौक़ है आप लिखें, अगर आपको पकाने का शौक़ है आप पकाएं. अमेरिका में मैं इतनी हैरान हुई थी कि जिनके बच्चे बच्चे अब चले गए हैं, अब मियाँ बीवी रह गए अकेले, बट शी इज़ अ फैंटास्टिक कुक. उन्होंने क्या शुरू किया, आई वुड लव टू कुक फॉर यू. सामान दे जाओ, ओके, मैं पका दूंगी, ले जाओ, दिस इज़ व्हाट आई विल चार्ज. शी इज़ अर्निंग सच गुड मनी घर बैठे हुए. गुड आइडिया. तो हम क्यों नहीं कर सकते, यू नो. आपने भी फील करने की बात बोली कि आई एम 62 बट आई फील लाइक 26, या आपने उसको उन साहब को बोला या खातून को बोला, तो उससे मुझे अगेन यू नो वो जो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये एज क्रॉस कर गई तो अब बॉडी में चेंजेस भी ऐसे आ रहे होंगे, तो इमोशंस भी चेंज हो गए होंगे कि नहीं इस एज पे हैं आप तो आपके जज्बात नहीं होंगे, आप तो दिल नहीं जाता होगा ये करने को मे बी, यू नो. तो ये सच है, ये सही है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है? नहीं, बिल्कुल मिसकंसेप्शन हो भी सकता है. नहीं, मैं कहने वाली थी कि नहीं ये मिसकंसेप्शन है, बट फिर मेरे दिमाग में अपनी जिंदगी सामने थी. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एक्चुअली, यू नो, कि आप खुद अपने आप के लिए कैसा फील करते हो. लेकिन इमोशन मर तो नहीं जाते ना, ऐसा तो नहीं होता कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने हस्बैंड के साथ किसी डिनर पे जाएं, या वो आपको खूबसूरत बात नहीं बोले, या आपका दिल नहीं चाहता कि आप नए कपड़े नहीं पहने, कि आप कहीं कोई एक नया बैग ना खरीदें, या यू नो इस तरह की चीज़ें जो एक आप सोचते हैं कि एक यंग एज पे या थोड़े से छोटी एज पे आपके जज्बात होंगे, वो हम अज्यूम करते हैं कि कुछ सालों बाद वो जज्बात ख़त्म हो चुके होंगे, अब आप घर में बैठे हैं और बस तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह करें, यू नो. अगर मैं इस तरह बोलूँ तो मेरे मियाँ जो है वो पक्के फौजी हैं, तो उनको ये वैलेंटाइन डे ये वो शो कुछ नहीं पता होता, तो मैं उनको कहा करती कल वैलेंटाइन डे याद रखना. तो फिर वो मुझे मेरे ईमेल पे मैसेज करते थे हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और आके पीछे खड़े हुए मेरे, मैं कंप्यूटर पे थी, आपने अपना ईमेल खोला? मैंने कहा नहीं अभी नहीं खोलिए. तो वो मैंने खोला जब तो उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे. तो वो फौजी, वो टग्गा वाला फौजी है, यू नो, वो इन चीज़ों में इतना बिलीव भी नहीं करते, बट आई मेड हिम अंडरस्टैंड दैट. मैं कहा क्यों, अच्छा लगता है, व्हाई नॉट, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ अ व्हाट वुड यू से जेस्चर. बिल्कुल ठीक है ना. पैसे तो नेचुरली यू लव योर हस्बैंड, यू लव योर वाइफ, आप साथ रहते हो, जिंदगी गुजारते हो, हर चीज़ है, बट वाई नॉट से इट. मैं ये कहती थी अपनी, वाई नॉट से इट, यू नो. तो ये होता था सारा कुछ. तो और बिल्कुल होते हैं जज्बात, इफ मर्द इज साटा पाटा तो वाई नॉट अ वुमन. बिल्कुल, इफ ही वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज वाइफ, वाइफ वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम. Yeah. Even at this age. At this age. Okay. Even today. Even today. I'm 78. I'll turn 79 in December. MashaAllah. ठीक है ना? But even today I would welcome it. If he would give me a rose. Yeah. If he would write कोई अच्छी सी बात लिख देगा, या happy birthday बोलेगा, या whatever, I would love it.